रेसिपी पाए के क्या क्या फ़ायदे हैं आपको पूरे पूरे डिटेल बताऊंगा। इसके बारे में बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से डाले। एचपी पाए का नाम आपने सुना होगा, जिससे बहुत सारे भुगतान करते हैं तो आपको कैशबैक मिलता है। भविष्य में उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम गैस बुक करते हैं तो फ़ोनपे गूगल पे में उसमें थोड़ी देरी हो जाएगी, मगर जो एचपी पाए का एप्लीकेशन है वहाँ से तुरंत बुकिंग करेंगे। अगर गाड़ी भी अगर आपके नज़दीक आ गई है तो आपको गैस ज़रूर देगा और उस पर आपको कैशबैक भी ज़रूर मिलेगा। और उस पर अगर जितनी बार आप तेल भराने एचपी के जो पेट्रोल पंप वहाँ पे जाएंगे, जितनी बार तेल भराएंगे उतनी बार आपको कैशबैक मिलना ही मिलना है। अगर आपका रेफरल कोड किसी के पास शेयर करते हैं तो आपको 200-250 रुपये कैश मिलना ही मिलना है। इसमें इसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए गाड़ी नंबर। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपसे गाड़ी नंबर भी मांगा जाएगा। और इस एक रेफरल कोड है जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, उसका लिंक भी नीचे देगा, आप लिंक से भी जाके रजिस्ट्रेशन कर। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना अकाउंट जो ऑलरेडी मैंने बना रखा है उसको दिखाता हूँ। मुझे कैशबैक जो मिला है, मैं इसको बहुत दिन से यूज करता हूँ और मुझे कई बार गैस बुक किया हूँ, कुछ भी किया हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे पॉइंट मिला है कैशबैक का 2,2413 रुपये। ये 2,413 जो लिखा है मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट के यहाँ पे डालेंगे तो कितना रुपए हमें मिला है यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे लिखा 603.25 रुपये, इतना मुझे मिला था। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए पैसा जो था अब ज़्यादा हो गया, पहले 30 रुपये था अब 633 रुपये हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे ढेर सारे कैशबैक कमा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत चीज़ दिया, जैसे आप हेड भी कर सकते हैं पैसा, और तेल भराने का स्कैन द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे सारा सारा चीज़ दिया, शॉपिंग का भी दिया, आपको शॉपिंग से भी पॉइंट मिलता है। तो इस तरह से आप गैस जल्दी बुक कर सकते हैं और कैशबैक भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक नया आईडी बना के दिखाता हूँ। तो नी उधर आईडी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम डालना है, फर्स्ट नाम, उसके बाद लास्ट नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर और जन्म तिथि, उसके बाद नीचे पिन कोड डाल दे के और एक कैप्चा डाल के आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे नीचे जन्म तिथि है जो, यहाँ पे जन्म तिथि डाल दें। आपको डिटेल एकदम सही सही भरना है अपने आधार कार्ड से, चाहे या आपकी राशन चौपड़ी होगा। यहाँ पे जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो वन टाइम यहाँ पे एक 6 अंक का मैसेज आएगा जो आपको यहाँ पे डाल देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 6 अंक का जो मैसेज आए यहाँ पे डालेंगे तो आपको मोबाइल नंबर जो है वेरीफाइव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तिथि अपना डाल देना है, उसके बाद पिन कोड नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ कैप्चर जो है पिन कोड यहाँ पे डाल देते हैं। पिन कोड नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे दिया गया कैप्चर जो है उस कैप्चर को यहाँ पे भर देना है। तो कैप्चर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही सेम टू सेम आपको यहाँ पे डालना है। अगर छोटा अच्छा छोटा, बड़ा है तो बड़ा। कैप्चर यहाँ पे डालने के बाद आपको और नीचे आना है, तो यहाँ पे जो एक टिक खाली है तो उस पर टिक लगा देना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से आपसे यहाँ मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है लॉगिन होने के लिए। जो नंबर सामने बनाया था वही नंबर डाल के यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपसे एक बार नंबर मांगा जाएगा वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे नंबर डालने के बाद आपसे 4 अंक का पिन मांगा जा रहा है जो अपने मर्जी से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिन डाला, यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं अगर आप फिंगर लगाना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डिटेल चेक कर लें जो आपने डाला था,
उसके बाद यहाँ पे आपसे गाड़ी नंबर मांगा जा रहा है। अगर आपके पास गाड़ी है टू व्हीलर तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप एक फ़ोटो भी अपना लगा सकते हैं। तो मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे अपना लगा दिया, जो एकदम ऊपर जो पेंसिल का मार्का है वहाँ पर टिक करके एक फ़ोटो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखे यहाँ पे आप जो मोटरसाइकिल गाड़ी का नंबर है यहाँ पे डाल देना है, जिसमें एमपी का गाड़ी नंबर डाल के दिखा देता हूँ। इस तरह से आप गाड़ी नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आपको दिख रहा है जीमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपना एक जीमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर में चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है। एड्रेस आपको सही सही यहाँ पे एकदम भरना है। उसके बाद फिर से हम नीचे की ओर और आएंगे। एड्रेस याद रहे कि आपको पूरी डिटेल यहाँ पे सही सही डालना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे, वहाँ पे भी अपना एक बार पिन कोड नंबर डालना ना भूलें, क्योंकि आपसे वहाँ पे दोबारा पिन कोड नंबर मांगा जाएगा। तो इस तरह से आप एड्रेस भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड नंबर, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आप पूरी डिटेल चेक कर लें, हाँ सही है। उसके बाद आपको रिफंड नंबर सब सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। तो फिर हम एडिट पे, अगर सुधार करना है तो एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो होम पे जा सकते हैं। एडिट करके मतलब आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम होम पे जाते हैं। यहाँ पे एक बार अपनी डिटेल चेक करना तो कर सकते हैं। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद यह बैक होना है। बैक होने के बाद यहाँ पे जो होम का बटन है उस पर क्लिक करें, या तो या थ्री डॉट जो ऊपर दिया है उस पर भी क्लिक करके आप होम पे जा सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आपसे केवाईसी डिटेल भी आपको डालना है, जैसे अपना पैन कार्ड या कोई पासबुक हो या कुछ भी यहाँ पे आप अपलोड कर दें। तो चलिए मैं यहाँ पे एक आईडी प्रूफ अपना अपलोड कर देता हूँ, बैंक का पासबुक। तो मैं यहाँ पर अपने बैंक का पासबुक अपलोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ रीजन अपना पिन कार्ड नंबर डाल देता हूँ पहले। तो यहाँ पे पिन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नीचे दिख रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप इस अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, एक फाइल खुलेगा, जिस फाइल पे आपको जाके पासबुक को अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जैसे कि आप क्या दे रहे हैं, तो उसका नंबर भी अगर पासबुक दे रहे तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दें। तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, अपने गैलरी में जाएंगे। तो गैलरी में जाने के बाद जैसे आप बैंक का पासबुक यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपका केवाईसी 24 घंटे के अंदर या 2-3 दिन के अंदर आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह से आपकी आईडी बन चुकी है। तो चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ होम पे कि इतने आप डेली का इतना रुपए खर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कैप्चर कोड था जिससे आप शेयर करके कैशबैक कमा सकते हैं। और यहाँ दोस्तों आपकी आईडी रेडी हो चुकी है, आप इसे अब कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।